आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी शिवसेना को घेरने के हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, जिसके तहत बीजेपी ने अब पोल खोल अभियान की शुरुआत पूरे मुंबई शहर में की है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोल खोल कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें शामिल बीजेपी के तमाम विधायक और नगर सेवक लोगों को मुंबई महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के कांदिवली पूर्व रेलवे स्टेशन के पास स्थित आकुरली रोड पर बीजेपी के नगर सेवक सागर सिंह द्वारा पोल खोल अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार और अतुल भातखलकर समेत कई नगर सेवक शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सत्ताधारी शिवसेना की जमकर पोल खोली। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने इस दौरान कहा कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में तकरीबन 325 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार टेंडर के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सारी संपत्तियां मुंबई करों की है, जिसका हिसाब कथित भ्रष्टाचारियों को देना ही होगा। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में अनेक खिलाड़ी पदक जीतते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार में शिवसेना ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि पहले बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, अब नोटों पर चलने वाली शिवसेना हो गई है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अब की शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, जिससे हमारी ना कोई दोस्ती है ना कभी होगी। आवाज की मर्यादा दी है या जो बातें कही है, उस बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये संविधान से देश चले, हर धर्म चले, ये रही है। या जिन्होंने बंद किया होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हम धर्म के आधार पर देश आगे नहीं बढ़ा सकते। हम संविधान के आधार पर अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जो संविधान में है, आपको भी पता है, प्रभु राम जी का मंदिर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था और उसी आधार पे आगे चले। तो मुझे लगता है हम सब मिलकर, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, संविधान के मर्यादाओं का पालन करते हुए, ये अमृत महोत्सवी वर्ष है। पिछले सालों में कम ज़्यादा हुआ होगा तो भूल जाए, पर अमृत महोत्सवी वर्ष में जो हजारों लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर ये स्वाधीनता का मंगल कलश दिया है, और हमारे राष्ट्रनायक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, तो हम यही कोशिश करें कि संविधान का अवमान ना हो हमारे हाथों से और उस दृष्टिकोण से आगे बढ़े।